रेनेस चैनल की तरफ से फर्ज का सलाम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खरीत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। जुमा मुबारक, सब शाद रहें, आबाद रहें, बड़ों को अदाब, छोटों को प्यार, अल्लाह ताला हमारी आबादतें कबूल करे और हमें अच्छे कामों की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। और हमें अपनी हिफ्ज़ोमान में रखे। हम देखते हैं जब अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के मामला, तो अहकामात इलाही जो हम अदा करते हैं, जिसमें कि रोज़ा, नमाज, हज, ज़कात, खैरात, सदका, ये सब शामिल हैं। लेकिन ये सब जो चीज़ें हैं वो फ़राइज़ में शामिल हैं। और अगर ये आपके इखलास और इखलाक के बग़ैर हैं, तो फिर आप समझें कि हमारा जो दीन है, जो हम ईमान रख रहे हैं, वो एक नामुकम्मल है। क्योंकि बहुत ज़्यादा जो हमारे दीन में ज़ोर दिया जाता है वो इखलाक के ऊपर है। क्योंकि ये तमाम चीज़ें करने के साथ साथ अगर आपके इखलाक अच्छे हैं, आपका जो तरीक़ाकार है दूसरों के साथ ज़िंदगी के अंदर, वो बहुत ज़्यादा काउंट करता है। तो और इसके अलावा जब हम देखते हैं कि इखलाक अच्छे हैं, आप दूसरों के साथ अच्छा बर्ताव कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप अहकामात इलाही पर तवज्जो नहीं दे रहे, उनको नहीं कर रहे, तो फिर भी आपका जो आपका ईमान है वो नामुकम्मल हो जाता है। तो इसको एक बड़ी ही सोचने का नुक्ता है। क्योंकि हम बहुत सारे मामलात में कुछ चीज़ें तो बहुत अच्छी तरीके से करते हैं, लेकिन कुछ जगहों पर फिर हम बड़े सख्ती से उसको निगेट कर जाते हैं इन चीज़ों के सब। तो अल्लाह ताला के भी करीब वो लोग ज़्यादा करीब हैं अल्लाह ताला के, अल्लाह ताला उनसे ज़्यादा प्यार करता है जो अहकामात अल्लाह ताला के बजाय लाते हुए इखलाक में बहुत आला मुकाम रखते हैं। और इसी तरह आ हजूर के भी करीब वो लोग ज़्यादा होंगे आखरत वाले दिन, जो कि अहकामात इलाही को बजा लाते हुए हुस्न इखलाक में आला मुकाम पर होंगे। तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए हमें। कामिल जो ईमान है वो उस वक़्त ही उम्दा है और मुकम्मल है जबकि आपके अखलाक जो हैं वो भी उम्दा होंगे। जन्नत में जो जाने का सबसे आसान तरीका है, जो हमें आखरत में सुरखरू करेगा, वो यही है कि हम अपने फ़राइज़ के साथ साथ हुस्न सुलूक और अखलाक जो हैं अपने, उनको बेहतरीन कर लें और दूसरों के साथ एहसन तरीके पर पेश आएँ, तो हम इंशाल्लाह इंशाल्लाह आखिरत वाले दिन अल्लाह ताला के हम सुरखरू होंगे। अबू हुरैरा फरमाते हैं कि हुज़ूर से किसी ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, वो कौन सा अमल है कि जो मैं करूँ तो मैं जन्नत में जा सकूँगा? तो उस पर हुज़ूर ने जवाब दिया कि अल्लाह पर तकवा, यानी अल्लाह की मोहब्बत के साथ साथ, उसके डर के साथ साथ अगर तुम्हारे इखलाक उमदा होंगे तो इंशाल्लाह तुम जन्नत में जाने के हकदार हो जाओगे। तो देखिएगा कि ये वो हस्ती कह रही है कि जो कि सबसे अल्लाह ताला के करीब है, जो पहले शख्स होंगे जो कि जन्नत में दाखिल होंगे। ताला के पसंदीदा बंदे जो हैं वो वही हैं जो आदात आला हैं उनके, यानी तौर तरीके उनके आला होंगे, और जिनका साथ साथ अल्लाह ताला पर ईमान होगा और फिर आखरत पर भी ईमान होगा। ये सही मुस्लिम में है 1844। ये देखा जाए तो ये तमाम जो चीज़ें हैं, ये जो बच्चों को हम आमतौर पे लेसन देते हैं कि जी गुड मैनर्स, ये देखा जाए तो ये वही चीज़ें हैं जो कि वेस्टर्न ममालिक में भी इसको पेश रखा जाता है। और जाहिर है कि हमारे दीन में, इस्लाम में, इसको बहुत ज़्यादा इस पे ज़ोर दिया जाता है। लेकिन आम तौर पे जो ज़िंदगी में है, हम समझते हैं कि बच्चे जो हैं वो अपने मिलने वालों में ही थैंक यू अंकल, थैंक यू आंटी, ये जब कहते हैं तो वो बस इतना ही काफ़ी। लेकिन हमने ये देखना है कि हमारे बच्चे, हमारे नौजवान, जो भी हम हैं, हम खुद भी, आया एक आम बंदे के साथ कैसा रवैया हम रखते हैं, क्योंकि उसमें सब शामिल हैं, हर तबके का बंदा उसमें शामिल है। और आपको हर एक के साथ अच्छे अखलाक से पेश आना है, अदब अदाब के साथ पेश आना है। हदीस नंबर है 1924, तिर्मिज़ी से है ये। रावी कहते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह उन पर रहम करेगा जो ज़मीन वालों के साथ रहम के साथ पेश आएंगे। फिर अबू हुरैरा एक जगह फरमाते हैं कि हुज़ूर ने फरमाया, अल्लाह ताला की तुम्हारी शक्ल सूरत और तुम्हारी दौलत को
नहीं देखना, बल्कि वो तुम्हारे अखलाक को देखता है। यानी आपकी हसीयत को नहीं देखना, आपके अतवार, आपके तौर तरीके, आप जिस तरह किसी बंदे के साथ पेश आते हैं उसको देखा जाएगा। और ये देखा जाए तो आपकी अपनी शख्सियत को भी चार चांद लगा देता है कि अगर आपके अंदर ये चीज़ें औसाफ पैदा हो जाएं तो आप एक बेहतरीन शख्सियत के मालिक बन सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम सब कोशिश करेंगे कि इसके ऊपर हम अमल कर सकें और अपने बच्चों को शुरू से ही इन चीज़ों को समझाएं और इन चीज़ों के उनको ज़िंदगी गुजारने के असूल बताएं। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी बहुत ही और अच्छी बातचीत के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।